गुहान 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 नवगछिया में पहली बार आधुनिक तकनीक से बना एक खूबसूरत कॉफी शॉप एवं रेस्टोरेंट गुहान गौशाला रोड पोखर के सामने नवगछिया वेज एवं नॉन वेज दोनों उपलब्ध है। ग्रैंड ओपनिंग 1 जनवरी 2021 से आपकी सेवा में, आइए आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं निधि झा और आप देख रहे हैं जीएस न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं बिहार की प्राइम टाइम खबरें। हार्डकोर नक्सली रोजीना खातून गिरफ्तार, 12 साल की उम्र से ही संगठन में गई थी शामिल होने। जमुई पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने कई नक्सली हमलों में शामिल हार्डकोर नक्सली शोभा उर्फ रोजीना खातून को गिरफ्तार कर लिया गया है। जमुई पुलिस ने यह कार्रवाई झारखंड के गिरिडीह जिले से बेहदाबाद में की है। महिला नक्सली की गिरफ्तारी के बाद जमुई पुलिस का उत्साह बढ़ गया है। यह सड़क क्या तुम्हारे बाप की है और सड़क किनारे खड़े युवक का पुलिस ने डंडे से मारकर फोड़ा सर। नवगछिया पुलिस का आम लोगों के साथ अमानवीय व्यवहार, लोगों पर लगातार हो रहे बर्बर हमले थमने का नाम नहीं ले रहा है। थाना क्षेत्र के खड़ीक बाजार पुरानी पोस्ट ऑफिस के समीप की बताई जा रही है घटना। सड़क किनारे जरूरी काम से मोटरसाइकिल लगाकर खड़े युवक तेलगी निवासी रामानंद सिंह के पुत्र सज्जन कुमार उम्र 35 वर्षीय को अज्ञात पुलिस वाहन पर सवार पुलिस कर्मी ने गाड़ी से उतरकर यह कहते हुए डंडा बरसाना शुरू कर दिया कि यह सड़क तुम्हारे बाप की है क्या। जगदीशपुर पुलिस ने भारी मात्रा में टाटा मैजिक के साथ 59 कार्टून विदेशी शराब को गाड़ी सहित जब्त कर लिया है। भागलपुर जगदीशपुर थाना क्षेत्र के सनहोला मोड़ पर चेक पोस्ट के पास जगदीशपुर पुलिस ने शराब की खेप भारी मात्रा में बरामद की है। थानाध्यक्ष ब्रजेश कुमार ने बताया कि जगदीशपुर पुलिस को वरीय पुलिस अधीक्षक भागलपुर के द्वारा गुप्त सूचना मिली थी, जिसके आधार पर यह कार्रवाई की गई है। नीतीश के सामने बीजेपी का आत्मसमर्पण, कहा जदयू के 2-4 मंत्री अधिक बन गए तो भी कोई आपत्ति नहीं। बिहार में नीतीश सरकार के कैबिनेट विस्तार की चर्चा लंबे समय से चल रही है। इस सिलसिले में कवायद लगाया जा रहा है कि भाजपा और जदयू के बीच मंत्री पद के लिए 50-50 के फॉर्मूले पर सहमति बन सकती है। इस बीच मुजफ्फरपुर से भाजपा सांसद अजय निषाद ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार सीएम का अधिकार है। 25,000 के इनामी कुख्यात अपराधी को किया गया गिरफ्तार। भागलपुर पुलिस जिला नवगछिया में दियारा का आतंक और 25,000 के इनामी अपराधी शबनम यादव को दो सिपाहियों के गिरोह के साथ भारी मात्रा में हथियार के साथ एसटीएफ और नवगछिया पुलिस के संयुक्त कार्रवाई से गिरफ्तार कर लिया गया है। लालू के जेल मैनुअल उल्लंघन पर हाई कोर्ट का कड़ा बयान, कहा व्यक्ति विशेष से नहीं कानून से चलती है सरकार। कोरोना काल में लालू प्रसाद को जेल से रिम्स निदेशक के बंगले में शिफ्ट किए जाने को लेकर हाईकोर्ट ने गहरी नाराजगी जाहिर की है। शुक्रवार को कोर्ट में हुए सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने गंभीर टिप्पणी करते हुए कहा है कि सरकार कानून से चलती है, किसी व्यक्ति विशेष से नहीं। मामले में जस्टिस अपरेश कुमार सिंह ने अगली सुनवाई की तारीख 22 जनवरी तक टाल दी है। आरसीपी सिंह का मिशन अति पिछड़ा, कर्पूरी रथ से गांव-गांव घूम रहे हैं जदयू नेता। जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने के बाद आरसीपी सिंह एक्शन में हैं। वे संगठन को मजबूत बनाने के लिए लगातार बैठक कर रहे हैं। वहीं कार्यकर्ताओं को वोट बैंक को मजबूत बनाने का निर्देश दिया जा रहा है। बिहार में मिले कोरोना के 452 नए मरीज, राज्य में पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 25,59,026। बिहार में कोरोना संक्रमण की रफ्तार अब धीमी हो गई है, लेकिन इसके बावजूद भी हर रोज हजारों की संख्या में पॉजिटिव मरीज पाए जाते हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से ताजा अपडेट जारी की गई है। इस अपडेट के मुताबिक राज्य में 452 लोग कोरोना के पॉजिटिव मरीज पाए गए। साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 25,59,026 हो गई है। बिहार में फिलहाल 4,558 लोग एक्टिव मरीज कोरोना के पाए गए हैं। 3 प्राइवेट स्कूल पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, कोरोना गाइडलाइन के उल्लंघन का लगाया आरोप। बिहार में सरकार ने 4 जनवरी से सभी स्कूलों के शिक्षण संस्थानों को खोलने की अनुमति दे दी है, लेकिन स्कूल संचालकों को कोरोना गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करने का भी निर्देश दिया है। ऐसे में लगातार ऐसे कई मामले सामने आ रहे हैं जिसमें स्कूल द्वारा कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन किया जा रहा है।
ताजा मामला रोहतास जिले का है, जहां प्रशासन ने 3 प्राइवेट स्कूल पर कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करने के आरोप में बड़ी कार्रवाई। गुहान 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 नवगछिया में पहली बार आधुनिक तकनीक से बना एक खूबसूरत कॉफी शॉप एवं रेस्टोरेंट गुहान गौशाला रोड पोखर के सामने नवगछिया। वेज एवं नॉन वेज दोनों उपलब्ध है। ग्रैंड ओपनिंग 1 जनवरी 2021 से आपकी सेवा में। आइए, आपका स्वागत है। नॉनवेज पसंद करने वालों के लिए खुशखबरी, अब चंपारण मीट का स्वाद नवगछिया के सुंदरम अहुना मटन में, जहां चिकन स्टू 50 रूपए, मटन स्टू 65 रूपए, चिकन सिक लेग पीस 100 रूपए और तो और चिकन थाली मात्र 150 रूपए एवं मटन थाली 195 रूपए में उपलब्ध है। स्वाद के लिए अवश्य पधारें। सुंदरम अहुना मटन, राजेंद्र कॉलोनी मोड़, नवगछिया। फ्री होम डिलीवरी के लिए उपलब्ध है। संपर्क करें 8603493747। अब एक फोन घुमाओ, घर पर सामान पाओ। अब बाजार जाकर ही राशन खरीदने की क्या है जरूरत, जब वही मार्ट है आपके लिए तैयार। वही मार्ट के मोबाइल ऐप या वेबसाइट से करें बाजार मूल्य पर खुलकर खरीदारी, पाएं होम डिलीवरी। वही मार्ट के मोबाइल ऐप के सीधे व्हाट्सएप से करें संपर्क, सामान का लिस्ट या फोटो खींच कर भेजे कराए बुकिंग। संपर्क करें 8340371787 7325052443।